पांचवा अध्याय गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही सहदेवता और पितरों की विधिपूर्वक पूजा की करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित 2 लाख गौए दान दी। रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है। ये प्रदर्शन करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से मतलब नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि वस्त्र से मतलब शरीर आदि, प्रक्षालन से मतलब वस्त्र आदि, संस्कारों से मतलब गर्भादि, तपस्या से मतलब इंद्रियादि, यज्ञ से मतलब ब्राह्मणादि, दान से मतलब धन धान्यादि और संतोष से मतलब मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मगाध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देते तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे। भेरी और दुदुम्बिया बार बार बजने लगी। व्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतर भाग झाड़ बुहार दिए गए। उसमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका, पुष्पों की मालाओं को रंग बिरंगी वस्त्रों और पल्लवों के बंदर बारों से सजाया गया। गाय, बैल और बकरों के अंगों से हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्रों और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगरखे और पाखड़ियों से सुशोभित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है। ये सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम जैसी लगती मानो कमल की खेसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उसके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार के एकल या सुहुमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगी वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों में कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनोखी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती। एक चिरंजीवी हो भगवान, इसकी रक्षा करो और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा उन ऊंचे स्वर से मंगलगान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत है। वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए उस समय उसके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़कने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौए दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी महिमा की वस्तुएं देकर उसको यथोचित सत्कार किया। ये सब करने में उसका उद्देश्य यही था कि इस कर्म से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर मंगल परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर
गुरु स्वामिनी की भांति अपने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि अटखेलिया करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थान बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। वह जब वसुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका वो कर भी दे चुके हैं, तब वे वो जहाँ नंद बाबा ठहरे हुए थे वहाँ गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठ खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहड़ हो गए थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, वे आदरपूर्वक आराम से बैठे गए। उस समय उसका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। ये भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों को मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बढ़ते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास और पत्ता लता पत्रादि तो भरे पूरे है न। वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है न। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम ही को अपने पिता माता मानता होगा। ये वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ और काम शास्त्र भी थे जिनसे उसके स्वजनों को सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उसके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सारा सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके, अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की।